सासाराम व्यवहार न्यायालय से हम लोग के यहाँ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री राघवेंद्र नारायण सिंह, जो कि MPMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश थे, आज उनकी विदाई हुई है। और हम लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि ऐसा न्यायिक प्राधिकरण वर्षों में कभी एक आता है। हम लोगों को तो लगता है कि हम लोग जब से वकालत शुरू किए हैं, कम से कम 17-18 वर्षों से, इन वर्षों में पहला ऐसा न्यायिक प्राधिकारी देखे हैं जो कि बार और बेंच का कैसे समन्वय करके चला जाता है। और वास्तव में अगर न्याय है तभी इस सृष्टि को चलाया जा सकता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सचमुच न्यायाधीश हैं, और ऐसे ही न्यायविदों की वजह से आज भी न्यायालय पर लोगों को भरोसा है और लोगों को पूर्ण विश्वास है। और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि यह जहाँ भी रहें ऐसे ही अपने कर्तव्य को निभाते रहें और लोगों के दिल में ही राज करते रहें। हमने एक न्यायिक पदाधिकारी की विदाई नहीं दी है, हमने एक व्यक्तित्व को विदाई दी है। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने अमिट छाप छोड़ा, बार और बेंच के बीच कैसे रिलेशन किया जाता है उन्होंने आज स्थापित करके गया। और ये उनकी विदाई है, एक इंस्टीट्यूशन की विदाई है। और एक कर्तव्य प्रयाण सब चीज़ों में श्रेष्ठ रहते हुए यहाँ से हंसते खेलते और सारे संबंधों को निर्वहन करते हुए बेहिचक, एक कहा जाए तो एक काजल की कोठी से बेदाग निकलने वाले उस व्यक्तित्व को हमने विदाई दिया है। इस आशा के साथ वो जहाँ भी रहें अपने इस लक्षण और व्यक्तित्व को बनाए रखें और हमें गौरवान्वित करते रहें।